सुने, छोड़ दो सर, इधर ही बात तो सुने। आजो अंदर, अब बताओ। सर बात सुने, इधर आए। हाँ जी बोले, क्या हो रहा है? ये क्या है? ये जी अचार फैक्ट्री है, हम लोग अचार खाते हैं। मेरा हाथ इसने बकायदा दरवाजे में दिया है अंदर आते हुए, कोई मसला नहीं, आओ जी। हाँ जी, तो यार कोई शर्म शुरम है कोई? थानू कोई नहीं है? हुक्म करो पान की है। ए, बार सील का ताला बनवा के रखे है ना पहले? किन्ने? आओ जी, आओ जी, आओ। क्या हो रहा है भाई? हाँ, गाजर बाल रहे हैं। किस लिए? मुरब्बा बनाना। कुछ शर्म नहीं आती यार आपकी, क्या हालत है? ये क्या है? ये क्या चीज है? हैं? ये गंद है। ये गंद है? इसको ड्रम में डुबोया हुआ। खैर आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या यार, उधर अचार है, इधर मुरब्बा है। हम्म, किसी का डर नहीं है। बकायदा इन्होंने जी एक ताला बनवा के रखा हुआ है, जहां हम कल आए थे सील की मोहर के साथ। शाम को जाते हुए बाहर सील की मोहर वाला ताला लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। ये पंजाब फूड अथॉरिटी के नाक के ऐन नीचे काम होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये गाजरें जी जो मुरब्बे के लिए तैयार की गई हैं, इस वक्त भी गर्म है। सफाई का आलम आप देख सकते हैं, क्या हालात हैं। ये क्या चीज है भाई? ये क्या है? आमले? नहीं। ये क्या है? हरीड है। हरीड है? हाँ जी, हरीड़ी है जी। गाजर, हरीड, नींबू शिमू भी है। क्या क्या है यार इधर? ये भी गाजर है, मुरब्बा है, सेब है जी। वेरी गुड, मुरब्बा है। हम खाते हैं और समझते हैं कि सेहतमंद चीज है, देसी खुराक है, देसी गजा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है भाई? हजूर वाला आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? हसन मुगल। हसन मुगल साहब, सामने वाले घर में रहते हैं? नहीं। ये बार सीसीटीवी कैमरे किसने लगाए? सीसीटीवी कैमरे हमारी फैक्ट्री के नहीं है। किसके हैं? जिनके लगे हैं उनसे पूछे। हमें आपके पास एक सेकंड यार, आराम से बात करना, तेरे से बात कर रहे हैं। एक सेकंड, मुरब्बे की फैक्ट्री है और अचार की फैक्ट्री है जी। कोई कागज, कोई लाइसेंस, कोई चीज है आपके पास? किसी को बुलाने देंगे तो आपको दिखाएंगे ना। किसको बुलाना है? किसको बुलाना है आप बताओ? इधर आ जाओ, आ जाओ सर, आए ना आके, इधर आके बताएं किसको बुलाना है आपने। सर ये कैमरे तो बंद करें। कैमरे आप हमें बताओगे बंद करने चलाने? आपने फैसला करना है। यहाँ पर चोरी का गंदा धंधा कर रहे हो और हमें कहते हो कैमरे बंद करो। हाँ जी, इधर आए, किसको बुलाना है आप? किसको बुलाना चाहते हैं? यहाँ से आप बाहर अभी नहीं जा सकते, आपको फोन करना है, मैं आपको फोन करवाता हूँ। आपको जिसको बुलवाना है ना, मैं आपको बुलवाता हूँ। इसमें कौन सा मसला? सर मैं आपके नंबर से नहीं कर सकता। किसके नंबर से कर? मैं जिसके मर्जी नंबर से करूँ। अच्छा, पर्सनल माफी है क्या? नहीं, माफिया कोई चक्कर नहीं। तो फिर ये क्या है? सर बात तो करने देना किसी से। किससे करना है, नाम बता दो भाई। मालिक से ही बात करनी है। क्या नाम है? लेडीज है, बताया तो है भाई। उनका नाम क्या है? हम इज्जत करते हैं खवातीन की, उसका नाम क्या है मुझे वो बताओ। कौन है वो खातून जो इतनी बासर है, ये सारा चला रही है? कौन है वो? अभी यहाँ एक खातून खड़ी थी, वो भाग के गई है। किसका अड्डा है ये? सर ये अड्डा नहीं है। ओ भाई, अड्डा ही है ना, काम का अड्डा ही है ना। इसके कागज पत्र कोई है आपके पास? कोई चीज है, कोई सर्टिफिकेशन, कोई पंजाब फूड अथॉरिटी का इजाजतनामा, कोई टैक्सेस के डॉक्यूमेंट्स, कोई? सर आपको पहले भी बोला है अगर आप किसी से बात करने देंगे तो आपको कुछ। भाई यहाँ आप मौजूद है ना, तो हमने आपसे बात करनी है ना, तो आपको बोला है ना। आप मुलाजिम हैं? आप मुलाजिम जी के बेटे हैं उस खातून के। ये गाजर के मुरब्बे के अंदर ये जो गंदगी है, ये सड़ी हुई गाजरें। कैमरा मेरा करीब करें जी, कैमरा करीब करें, ये वाला, ये जिस पे मैं इशारा करूँ ये दिखाएं। ये क्या है? सर ये सरी हुई गाजरें नहीं है। ये क्या है? गंदगी है, मट्टी है अंदर सारा कुछ। क्या है भाई, मुरब्बा बन रहा है ना? ये हमारे लिए मुरब्बा बन रहा है ना, हमारे बच्चों के लिए? क्यों जुरे वाला जी? ये क्या हो रहा है?
छोड़ दें इसको, छोड़ दें। नहीं उसको लग जाने दें यार, इसको तो जाया होना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रही बात की। ये क्या है? ये गाजर। ये प्लास्टिक तक अंदर चल रहा है, ये देखें जी, प्लास्टिक भी अंदर पक रहा है। ये क्या है यार? डोरी और तोड़े सी। हाँ, धोने तक मुनासिब नहीं समझा ना, पूरा तोड़ा मंडी से जैसे आया वैसे अंदर फेंक डाला है। नहीं नहीं, ये तो पानी में डाला। भाई ये गंदगी फिर अंदर कहाँ से आ गई? हाँ, ऊपर देखो जी, आए जी करीब आए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये लीमू है जी, मैं इसको हाथ नहीं लगा सकता, मेरे खुद को कराहत आ रही है कि मेरे से इसे हाथ नहीं लगाया जा रहा। और ये मुरब्बे और अचार, ये अचार का लीमू है, बेशर्मी है, बेहयाई है। और ये खुराक खिलाई जाती है आम शहरी को, आम आदमी को, और इस पर कोई किसी किस्म की शर्म नहीं आती। बदतमीजी, अचार है ये मेरे और आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए तैयार किया हुआ अचार है जो हम लोग खाते हैं, और भैंसों की खुरली है। इधर आए, ये भैंसों के लिए तैयार करते हैं, भैंसों की खुरली है। अचार देखना चाहते हैं जी? ये है वो अचार जो आप बड़े शौक से खाते हैं, और इवन रमजान बाजारों में ये अचार बिकता है। बेशर्मी है, शहबाज शरीफ के लाहौर के अंदर, ढिठाई है पंजाब फूड अथॉरिटी की नाक के एन नीचे, और हड हरामी है आम शहरी कहलाने वाले इन चोरों की, इन जालिमों की, इन लोगों की जो आम आदमी के साथ ये सलूक करते हैं। आप ये देखें कि ये अचार है जो मेरे और आपके लिए बनाया जाता है, सैर अफ्तार में हम ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आम दिनों में ये खा रहे होते हैं। लेकिन अभी बाहर हमने एक पुलिस की खिदमत में भी एक दरख्वास्त की है कि अगर वो यहाँ पर पहुँच सकें, पंजाब फूड अथॉरिटी को भी कर रखी है, लेकिन उन्होंने तो सफ़ेद कहा है कि जी हमें अहकाम अदालती मामला हैं, मसाइल हैं। आप देख सकते हैं ये आम है जो अचार में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे यहाँ पर इस ताफुन में बार बार उल्टी महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के मामलात को देखने के लिए कोई सरकारी महकमा, कोई सरकारी इदारा मौजूद नहीं है। एक बार फिर से जी, इसी गंदे ताफुन ज़्यादा और घटिया माहौल में तैयार होने वाला अचार जो हम लोग खाते हैं, भिड़ फिर रहे जी, मक्खियाँ भिड़ आगे, इधर आओ यार। हेलो, ओ भाई, गाजर है जी। ओ भाई क्या करते हो, ये शर्म शर्म कोई नहीं आती? इस गाजर को क्या करते हो? इधर आओ, ये मुरब्बे के, टोटल नॉन फूड ग्रेड कंटेनर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ड्रम इस्तेमाल किए जाते हैं, जानवरों की खुरलियों में अचार बनाया जाता है। और उससे भी घटिया बात, मकरू बात, कि गाजर जिसको मुरब्बे के लिए तैयार किया गया है, मैं आपको दिखा सकता हूं किस माहौल में पड़ी है। मक्खियां भिन बना रही हैं और गंदगी, गलाजत, मट्टी ऊपर से अटा हुआ है। ये यूनिट है जी शहबाज शरीफ के लाहौर में, नूरुल अमीन मेंगल साहब की नाक के एन नीचे। जनाबे वाला, हमें हमेशा ये बात कही जाती है कि मीडिया अपनी हदूद कयूद से बाहर निकल के काम करने की कोशिश करता है, और अगर अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो जालिमों इसको अप्रिशिएट करो, इस पर शर्म खाओ, और आगे आके ये तुम्हारे काम है करने के जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं। हम जारी रखेंगे इन कामों को ताकि शायद तुम्हें भी इस चीज़ का एहसास हो सके कि ये तुम्हारे काम थे। आम आदमी को दिखा रहे हैं सिर्फ एक चीज़, कि आम आदमी को बताया जा सके कि जनाबे वाला आप जिनको वोट देकर आगे भेजते हैं वो आपके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। और इसमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है कि आम आदमी के हवाले से शर्म का मामला किया जाए।
आपकी जेर इंतजाम ये सब कुछ होता है, ये नमक है या ये काई है? मेरा जेर इंतजाम होता है। हाँ हाँ, पुलिस चौकी आपकी है ना, थाना आपका है? ये फूड के डिपार्टमेंट के मुतालिक है, पुलिस का कोई ताल्लुक नहीं है। सादत साहब, आपने ये बात बताया कि ये फूड डिपार्टमेंट का काम है, समझ गए, हमें पता है। कैमरे बंद करें? कैमरे नहीं बंद हो सकते। आपने वन फे पे कॉल, आपने कोई एहसान नहीं किया, आपकी ड्यूटी है। कॉल किया? बिल्कुल किया, लिए आया हूं। बिल्कुल किया। ये कंसर्निंग टू फूड डिपार्टमेंट है, आप फूड डिपार्टमेंट के बंदे इधर लेके आए। सर मैं आपको बता देता हूँ ना, मैं आपकी यहाँ पर आना, मेरे सर आंखों पर, मेरे पर आपका एहसान। मुझे ये बात बताएं कि एक किराएदारों के रजिस्टर्स तैयार किए जाते हैं, इसी तरह मालिकान का भी रजिस्टर तैयार किया जाता है थाने रिकॉर्ड में, होता है कभी नजर में गुजरा? वो आजकल फ्रंट डेस्क का बड़ा जदीद सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम है सारा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड, बात नहीं है मेरे सर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये तो आपको सलाम करना पड़ेगा। उसके अंदर एक रिकॉर्ड तरतीब दिया जाता है जिसका मकसद तमाम किराएदारों और मालिकान के रिकॉर्ड होते हैं, जिनके कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या कैसे कैसे रह रहे हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? रिहायश इस जगह का रिकॉर्ड आपके पास क्या है? इस जगह का अगर ये किराए पे है तो इसका किराएदारी का अंदराज होगा थाने में, ये रिकॉर्ड होगा क्या है कि नहीं है। पुलिस का रवैया आपने देखा, हमारे कॉल पर 15 पर यहाँ पर आए, हम इनके शुक्र गुजार हैं, मशकूर हैं। और मैं इस पे आई जी पंजाब साहब को भी सलूट करता हूँ कि जनाब 15 पर पुलिस आ गई, लेकिन हजूरे वाला पर कटे हैं।